फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश, महाराष्ट्र जलगांव से। मेरे पास में सिंगल कॉप का पैनल आया है जो कि सैमसंग का है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम है ब्लैंक डिस्प्ले। तो इसके अंदर है तो दोनों साइड, मतलब लेफ्ट साइड में है तो CKV2 और CKV B2 के अंदर शॉर्टिंग है। तो मैं आपको पहले शॉर्ट ओम्स चेक करवा देता हूँ इसके। ये देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और ये देखिए मेरा कितने किलो ओम्स की शॉर्टिंग आ रही है इसके अंदर। ये देखिए, ठीक है, आधे ओम्स की मेरी शॉर्टिंग आ रही है। तो अभी इसकी जो शॉर्टिंग मैं रिमूव करूँगा, इस शॉर्ट किलर के ज़रिए रिमूव करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा प्रॉप है, 2 मीटर का प्रॉप है मेरा। तो अभी मैंने 30 वोल्ट के ऊपर सेट करके रखा है। तो अपन एक बार तो इसको टच करके देखेंगे, ठीक है। आप एक बार चेक करते हैं। तो अभी भी हमारी शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुई है, इधर दिखाई देखा आपने, तो अभी भी हमारी शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुई है। अभी मैं प्रॉप हटा रहा हूँ और फिर से लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम फिर और एक बार ट्राई करेंगे। मैंने मीटर का प्रॉप लगाया, 1, 2, 3, ठीक है। और एक बार चेक करेंगे, इधर दिखाइए। तो फिर भी हमारा शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं इसको है तो अभी अपना 30 वोल्ट के ऊपर है, तो मैं इसको अभी 40 वोल्ट के ऊपर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 40 वोल्ट के ऊपर कर दिया है। मेरा इधर 30 वोल्ट है और नीचे आपको दिखाई देता होगा 40। तो मेरा 40 वोल्ट है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं फिर से वो कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है, हो गया। अभी चेक करेंगे तो अभी भी है, उधर दिखाइए। ये देखिए, अभी भी हमारा शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ है। तो और एक बार ट्राई करेंगे। तो अभी भी हमारा शॉर्टिंग नहीं गया है, ठीक है। तो अभी हम 60 वोल्ट के ऊपर रखेंगे इसको और फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको शॉर्टिंग रिमूव है कि नहीं हुआ है, उधर दिखाइए। देखा आपने, अभी भी शॉर्टिंग नहीं गई है। और अभी मैंने इसको है तो 60 वोल्ट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, हो गया, आप चेक करेंगे। अभी दिखाइए। तो अभी देखिए हमारा रीडिंग बढ़ गया, ठीक है। तो अभी और एक बार हम ये करेंगे, ठीक है, और फिर से एक बार देखते हैं। तो अभी हमारा 15 के हो गया, दिखाइए, 16 के तक चला गया। तो अभी हम 80 वोल्ट के ऊपर उसको सेट करेंगे। तो देखिए, अभी मैंने इसको 80 वोल्ट के ऊपर सेट किया है। तो ये देखिए, शॉर्टिंग रिमूव हो चुका है, देखा आपने। मैंने मीटर का प्रॉप लगाया तो ये हमारा 0-0 आ रहा है, ठीक है। और अभी मैं इधर लगा रहा हूँ, इधर दिखाइए,
ये देखिए इधर लगाया है, अब उधर दिखाइए, तो हमारा शॉटिंग रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने, तो मैंने 80 वोल्ट के ऊपर इसको सेट करके रखा था, तो अभी मैं ट्रैक जोड़ लेता हूँ और फिर देखते हमारा पिक्चर बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, हाँ देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा सिंगल कॉप का पैनल था सैमसंग का, उसके अंदर जो शॉटिंग थी हमारी CKV2 और CKV B2 के अंदर, तो हमने वो शॉटिंग को अभी रिमूव कर दिया है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पे सभी ट्रैक को जोड़ दिया है। ठीक है, आपको दिखाई देता होगा तो वीडियो के अंदर, ठीक है सभी ट्रैक को मैंने जोड़ दिया है। और हमारा है तो इसी साइड में शॉटिंग था, ठीक है इसी साइड में शॉटिंग था, और इस साइड हमारा कोई भी शॉटिंग नहीं था। ठीक है, तो मैंने इधर के भी ट्रैक जोड़ दिए और है तो इधर के भी ट्रैक जोड़ दिए। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये देखिए हमारा परफेक्ट पिक्चर बन चुका है। आपको नो सिग्नल दिखाई देता होगा, कोई भी स्कैनिंग लाइन इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कोई भी स्कैनिंग लाइन नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो देखा आपने कि हमारा शॉर्ट किलर से बहुत ही बढ़िया तरीके से पैनल रिपेयर हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।